प्रदेश के बागवानी राजस्व एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी 26 मई को किन्नौर जिला पहुंचे। ऐसे में उनका किन्नौर के प्रवेश द्वार चौरा पहुंचने पर जिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों समेत प्रशासन ने भव्य स्वागत किया है। प्रदेश के बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी 26 मई से जिला के दौरे पर है और रूपी पंचायत से उन्होंने अपना दौरा शुरू किया और आज उनका रूपी पंचायत का दौरा समाप्त होगा, जिसके बाद वे आज शाम भावा वैली का दौरा करेंगे और लोगों से मुलाकात करेंगे और आम समस्याओं को सुनने का काम करेंगे। विकासात्मक कार्यों का निरीक्षण भी किया जाएगा। प्रदेश के बागवानी राजस्व एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी 29 मई को जिला के मुख्यालय रिकांगपियो पहुंचेंगे और अपने गृह क्षेत्र के लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुनेंगे। नमस्कार, हिमाचल टुडे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किन्नौर से अनिल नेगी। प्रदेश के बागवानी राजस्व एवं जनजाति विकास मंत्री जगत सिंह नेगी का 26 मई 2023 से 6 जून 2023 तक जिला किन्नौर का प्रवास है। ऐसे में बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने 26 मई 2023 से जिला किन्नौर की रूपी ग्राम पंचायत से अपना दौरा शुरू कर लिया है। ऐसे में उनका रूपी ग्राम पंचायत पहुंचने पर ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया, जिसके बाद बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने स्थानीय ग्रामीणों की आम समस्याओं को सुनने के साथ साथ रूपी ग्राम पंचायत में एक पेयजल योजना का भी लोकार्पण किया है। आज प्रदेश के बागवानी राजस्व एवं जनजाति विकास मंत्री जगत सिंह नेगी का रूपी ग्राम पंचायत का दौरा समाप्त होगा, जिसके बाद वे भावावली क्षेत्र का दौरा करेंगे और वहां के स्थानीय ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी आम समस्याओं को सुनने का काम करेंगे। और प्रदेश के बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी भावावली क्षेत्र में हो रहे विभिन्न विकासात्मक कार्यों का जायजा भी लेंगे। 29 मई 2023 की शाम को वे जिला किन्नौर के मुख्यालय रिकांगपियो पहुंचेंगे, जिसके बाद वे स्थानीय ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। प्रदेश के बागवानी राजस्व एवं जनजाति विकास मंत्री जगत सिंह नेगी रिकांगपियो क्षेत्र के दौरे के दौरान आम ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुनने के साथ साथ रिकांगपियो क्षेत्र में हो रहे विभिन्न विकासात्मक कार्यों का भी जायजा लेंगे। हिमाचल टुडे के लिए किन्नौर से अनिल नेगी।